दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ अपने भाई के YouTube चैनल में। तो दोस्तों आ चुका है एक नए वीडियो के साथ आप सबके। तो अभी आ चुके हैं बिलखननाथ में, आप सबको दिखाएंगे यहाँ पे पूरा लोकेशन, कैसे यहाँ का लोकेशन है सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग वीडियो को ज़रा स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम बिलखननाथ में हैं, तो अभी आप सबको दिखाएंगे कांवड़ियों की भीड़, जो कि यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है, सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते जाएंगे। तो आप सब लोग ऐसे बने रहिएगा अपने भाई के YouTube चैनल में, तो आप सब देखते जाइएगा यहाँ पे कैसी भीड़ है। पूरा यहाँ का लोकेशन आपको, यहाँ का मार्केट पूरा दिखाएंगे, कैसे मतलब लोकेशन है, क्या लोकेशन है। तो कांवड़ियों लोग का भीड़ कैसा लगा वो मतलब सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। देखते जाइएगा वीडियो की स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का इस वीडियो बड़ा अब होने वाला है। इस वीडियो में आप सबको आज बताएंगे कि हमारे बाबा बिलखननाथ धाम कांवड़िया संघ भीड़ कैसे लगती है, तो भीड़ की तादाद कितनी होती है, कितनी हो सकती है, बढ़ने का तादाद क्या है। तो भी हम लोग काफ़ी इस बार बोलबम नहीं गए थे, लेकिन सोचा कि आप सब लोग ज़्यादा से वीडियो शूट कर लें, ताकि आप सबको हम दिखा सकें कि यहाँ का मार्केट का माहौल कैसे, क्योंकि यहाँ पर जाम लगा हुआ है। गाड़ी आप सब देख सकते हैं कि गाड़ी आने जाने का पूरा रास्ता नहीं है, लेकिन दोस्तों अलग स्थान से निकले हैं, तो आपको देख सकते हैं
देख सकते हैं कितनी भीड़ है, मतलब कितनी सब कुछ क्या है। मतलब यहाँ पे दुकानों की भी मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हमारे चलने मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी श्रद्धालु आए जो कि सबके श्रद्धा मन से दर्शन कर रहे हैं। तो और यहाँ पे कांवड़ियों की भीड़ तो आपको दिखाई कह सकते हैं कितनी कांवड़ियों की भीड़ है। कांवड़िया मतलब यहाँ पे कितने लोग आए, कितने के कागार में आए हुए हैं, तो कितने क्या है, मतलब सब जाकर दिखाते जाएंगे। तो फिर आपको थोड़ा अंदर का मार्केट का लोकेशन दिखाते हैं, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ का मार्केट कैसे लगा हुआ है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो लगा हुआ है, प्रसाद का स्टोर लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा जो लेडीज शिकार स्टोर का उसका लगा हुआ, मतलब यहाँ पे प्रसाद का लगा हुआ। तो आ चुके हमारे दोस्त लोग साथ में भी, जो कि पालो से आ चुके हैं, है तो लोकेशन दिखाएंगे, तो आप सब इसे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आप सबको पता चल जाएगा मतलब बाबा बिरखन्नाथ धाम कांवरिया संघ जो यहाँ पे आते हैं, मतलब श्रद्धालु आते हैं, कितना दर्शन होता है, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, किस मात्रा में यहाँ पे लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, किस प्रकार से लोग आते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बता ही देंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मतलब ले चलते हैं नदी का लोकेशन दिखाएंगे, कि नदी कैसे मतलब ये नदी किस कहाँ से प्रसिद्ध है, कैसे मानी जाती है, तो सब कुछ आपको बताएंगे कि नदी का क्या महत्व है, किस महत्व से नदी यहाँ पे आई है, और यहाँ पे श्रद्धालु कैसे आते हैं, किस कारण से, मतलब कितना उनका मनोकामना पूर्ण होता है कि नहीं होता है, तो आपको दिखाते ही जाएंगे। तो आप लोग ऐसे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो आप सबको भी दिखाएंगे नदी का पूरा सेटअप लोकेशन, तो यहाँ का लोकेशन कैसे, मतलब यहाँ पे लोकेशन मतलब कितने लोग आते हैं, कैसे क्या करते हैं, दर्शन आपको दिखाएंगे। तो भी यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा तादाद नहीं, बट अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो दोस्तों ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन अब भीड़ होने का कारण तो अभी अब आ रहा है, तो मतलब अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो, काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं दर्शन पाने के लिए। बट क्या होता है कि यहाँ का दर्शन मतलब सबको मिल जाता है, तो अभी आपको दिखाएंगे कितने श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, स्नान मतलब। तो इस समय तो आप जानिए सावन का महीना जो कि सबसे पर्व महीना माना गया है, इस महीने में तो आप कांवरियों की तो भीड़ ही होती है, मतलब जो जल उठा के आते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो प्रयागराज टू बाबा बिलखन्नाथ धाम ही है, तो आपको दिखाएंगे प्रयागराज से जो जल उठा के आए थे मतलब बाबा बिलखन्नाथ के लिए, तो आज यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो अभी आपको दिखाएंगे कहाँ के और क्या, मतलब यहाँ का नदी का पूरा लोकेशन दिखाएंगे, नदी का सेटअप दिखाएंगे, तो मतलब नदी में मतलब कैसे लोग स्नान करते हैं सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को इसको पूरा वॉच कीजिएगा। तो आपको अभी ले चलते हैं अपने आ चुके हैं अपनी नदी के पास, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं पूरा एकदम बलुसरी जमी है, तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं नदी में लोग स्नान कर रहे हैं, नदी में लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे नदी का मतलब जो सही नदी आई हुई है वाव बेला माई से, तो वहीं से मतलब ये नदी निकली हुई है, तो यहाँ पे आप गाँव बिलखन्नाथ में, तो अभी आपको नदी का